Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है वीवो का Y35 और इस फोन के अंदर फ्रेंड्स जो आपके सिम कार्ड पड़े हुए हैं उनके नंबर फोन में नहीं देखने को मिल रहा है, आप चाहते हो उनको कॉपी करना फोन में, या फिर आपके जो फोन के अंदर नंबर पड़े हुए हैं उनको किसी दूसरे फोन के लिए शेयर करना है, तो ये सब आप कैसे कर सकते हो ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको ये सब करना रहता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके फोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो कि कॉन्टैक्ट नाम से देखने को मिल जाता है। सिंपली ये इस एप्लीकेशन को सर्च कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। जैसे इसको आप ओपन करते हैं तो यहां कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां 3 लाइन देखने को मिल जाएंगी, इन पर क्लिक करना है, यहां सेटिंग देखने को मिलेगी, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहां पर आएंगे तो एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करके अब आपको वो सिम कार्ड सेलेक्ट करनी है जिसके नंबर आप कॉपी करना चाहते हो। अगर सिम बन है तो सिम बन पर इस तरह से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहां पर सभी नंबर आपके सामने आ जाएंगे जो कि सेलेक्ट किए हुए देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर आपको इंपोर्ट देखने को मिलता है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो सभी नंबर आपके इस फोन में देखने को मिल जाएंगे जो कि इस सिम में आपके थे। तो इस तरह से तो सिम के आप फोन में ला सकते हैं। अब जो फोन में नंबर है इनको किसी दूसरे फोन के लिए शेयर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए ये भी जानते हैं। इसके लिए आपको फिर से यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होता है। तो सभी नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आपकी फाइल देखने को मिल जाती है। इस फाइल में आप इसको रीनेम वगैरह कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह सेव कर दीजिए तो आपकी ये फाइल आपके फाइल मैनेजर में देखने को मिलेगी। इस फाइल को दूसरे फोन के लिए शेयर कर दीजिए तो सभी नंबर आपके उसी फोन में शेयर हो जाएंगे जिसमें आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप कॉन्टैक्ट सेटिंग को कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।